हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमर। और मेरा नाम है आसिम। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी रिव्यू हार्वेस्टर, जॉन डियर के हार्वेस्टर का, जिसका नाम है T560। तो काफ़ी ये ज़बरदस्त हार्वेस्टर है, तो काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि इस हार्वेस्टर का रिव्यू बनाएं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेटली इसे परचेज़ करेंगे। तो ये रही है जी हमारी हार्वेस्टर। तो इसकी जो हॉर्स पावर है वो है जी 387, और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 800 लीटर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 10,000 लीटर, और इसकी जो वैसे स्पीड है वो है तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त हार्वेस्टर है। तकरीबन जो डिटेल्स हैं वो हमारे पास, जैसा कि आपने बताया कि डेवलपर्स ने ओवरऑल फार्मिंग सिमुलेटर 20 में जो भी व्हीकल्स हैं उनको टोटली नेल्ड किया है। मतलब जितनी भी, मतलब एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि वो डायरेक्टली पीसी या फार्म पीसी वाली गेम से ड्राइव की गई हैं वो व्हीकल्स, या पीसी वाली गेम से इंपोर्ट की गई। तो इस हार्वेस्टर के साथ भी सेम है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल देखने को मिलता है, छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रखा गया है। खासकर मेरे ख्याल से जॉन डियर की व्हीकल्स जो हैं वो शायद इस बार पहली दफ़ा आई थी, तो उसका तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल है। जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड किया इस हार्वेस्टर के, वो है इसकी विजिबिलिटी। अंदर से आप बैठ के देखें तो आपको हर तरफ से नज़र आएगा, किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई बड़े बड़े बेजल्स नहीं है, कोई इस तरह के टूल या इक्विपमेंट नहीं है जो आपका व्यू ब्लॉक कर रहे हैं। आप हर तरफ, जिस तरफ भी देखेंगे आपको बड़ी आसानी से नज़र आएगा। इवन दो कि आपने अगर हेडर भी अटैच किया हो तो फिर भी आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब कोई बेवकूफ़ी होगा वैसे जो सड़क के ऊपर हेडर लगा के चलेगा, क्योंकि इसका हेडर की जो रेंज है वो 7.6 मीटर है, यानी कि 7.6 मीटर्स। तो इसीलिए ये हम सबकी फेवरेट हार्वेस्टर होने वाली है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है आइडियल 90 के मुकाबले में, और इसकी परफॉर्मेंस जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में हार्वेस्टर मिलती है न्यू हॉलैंड की, उसके मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वर्किंग रेंज ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, और ओवरऑल हॉर्स पावर ज़्यादा है। जो डाउन साइड है इस हार्वेस्टर की वो है इसका बहुत ज़्यादा लंबा पाइप। कैसे है डाउन साइड अभी आप देखने वाले हैं बिल्कुल लाइव इसका प्रूफ। तो ये वजह है इसके लॉन्ग पाइप का, मतलब के नुकसान है ये इसके लॉन्ग पाइप का, कि जहाँ पे भी आपको कोई फील्ड ऐसा होगा जिसमें दरख्त आसपास लगे होंगे तो ये इसका लॉन्ग पाइप जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, अटक जाएगा उनमें, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। इवन कि मैं अभी कंट्रोलर पे खेल रहा था तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो गया इस हार्वेस्टर को निकालना। तो अगर कोई बंदा नॉर्मल इसके कंट्रोल्स पे खेल रहा हो तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा फिर इस हार्वेस्टर को कंट्रोल करना, तो वो आप देख ही सकते हैं। जो इसकी मूवमेंट है, जो फिज़िक्स है वो एग्जैक्टली बहुत ही ज़बरदस्त है। अगेन जैसा कि मैंने बताया कि छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ग्रेन फ्लो करके इसके बिन में गिर रही है पाइप के थ्रू। और बाकी इसका हेडर आप चेक कर लें, हेडर की भी उतनी ही ज़्यादा डिटेल्स हैं। और विजिबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सबसे जो है वो इसकी इम्प्रेसिव चीज़ है इस हार्वेस्टर की। तो ओवरऑल ये हार्वेस्टर एक बहुत ही स्वीट और कह सकते हैं कि किसी हद तक बजट टाइप हार्वेस्टर है। और कमर से पूछते हैं कि उनको ये हार्वेस्टर कैसी लगी डिज़ाइन वाइज भी और वैसे भी। डिज़ाइन वाइज बहुत ज़बरदस्त है डेफिनेटली। अब हर चीज़ के लिए यही कह सकते हैं कि जैसे भी गेम हो ये, हम हर बंदे को ऐसे लगता है कि ये हम तकरीबन मोबाइल में ही फार्मिंग सिमुलेटर 19 खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल वही मज़ा आ रहा है जो FS19 खेलने में आता है, लेकिन मोबाइल में। अगर आपने कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं और ग्राफिक्स वेरी हाई पे करके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए यही गेम है, उन लोगों के लिए ही ये गेम है जो कहते हैं कि जी हमें FS19 मोबाइल में चाहिए। तो वैसे आज एक और भी भाई ने, एक ने सवाल किया था कि इसका जो अंदर ये स्क्रीन लगी हुई है ये काम करती है या नहीं। तो मेरे ख्याल से नहीं काम करती। इसके अंदर हम मतलब कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो सकती वैसे। वैसे जस्ट अ भी पीस ऑफ डेकोरेशन। हाँ, पीस ऑफ डेकोरेशन है। तो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोल एंड डिटेल्स हैं, तो अब ये गेम कम्प्लीटली पीसी तो नहीं हो सकती। वैसे बनाने को तो डेवलपर बना देंगे, लेकिन किसी मोबाइल में फिर इतनी पावर नहीं होगी कि वो इसे हैंडल कर सके। अब इतने लेस फीचर हैं और
उसके बावजूद गेम कितनी ज़्यादा लैग करती है। साइज की अपडेट। हाँ तो आज अपडेट आई है तो तकरीबन गेम का साइज़ हमने जो डाउनलोड किया है वो पहले था 712 MB, तो आज सबसे हुआ, पहले 920 ये हाँ जो थी। सबसे पहले दिन 25 तारीख वाले दिन में हमने की थी वो 920 MB था, तो आज 26 नवंबर वाले दिन जो अपडेट आई उसके बाद वो साइज़ हो गया 712 MB, और अब जो हमने डाउनलोड की है वो तकरीबन 560 MB डाउनलोड हुई। तो अभी 3 दिन और रहते हैं, मेरे ख्याल से इस गेम का साइज़ यही कोई 400 और 500 के दरमियान में होने वाला है। तो आज जो अपडेट आई है गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ हो गया, उससे लैग बहुत कम हो गया, फ्रेम ड्रॉप जो होते थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो मेरे ख्याल से जब गेम लॉन्च होगी तो शायद हमें गेम में कुछ चेंज देखने को मिले, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन ही है। तो आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहीं, आपसे मुलाकात हो अगली अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।